लगेंगे भी जल्दी जल्दी में। पीछे से कहीं कृष्ण बलराम तो नहीं कहीं कहीं, और बाहर आकर देखा तो बाहर भी कृष्ण बलराम रथ है, अंदर फिर देखते हैं जल में भाई भाई रथ पर विराजमान है कृष्ण बलराम, मानो भगवान कहना चाहते हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन देसी, जैसी जिसकी भावना वैसे परमात्मा दर्शन देते। अब तो अक्रूर जी महाराज समझ गए, धन्य प्रभु आप साक्षात नारायण के उतारे, अब अगर कंस की मृत्यु होगी आपके हाथ में तो मेरा भी नाम हो जाएगा, चरणों में प्रणाम किया है भगवान के और चल जाए कृष्ण बलराम ग्वालवार रथ को तीव्र गति से दौड़ाया है। और मथुरा में प्रवेश हुए अक्रूर जी महाराज कहने लगे, प्रभु आप मेरे घर पर चलिए सबसे पहले। भगवान ने अक्रूर जी महाराज से कहा, हे काका जी, मैं आपके बाद में आया हूं, मैं पहले इस नगर को देखना चाहता हूं, सबके बाद में मैं आपके घर पर अवश्य आऊंगा। और भगवान उस नगर को देखने गए और नगर को देखते देखते क्या देखा है, सारे ग्वालवार कहने लगे, अरे कन्हैया हमें अगर पता होता है तो मामा के घर जा रहे हो तो भी सज धज कराते, हमने सुना है कि कल से तुम्हारे मामा देखो सब कितने सुंदर सज कर आए और हम तो ऐसे ही आ गए, कपड़े पहनकर कन्हैया में वस्त्र प्रदान करो। कन्हैया जी कहने लगे, यहाँ मेरा कोई थोड़ी नहीं जो वस्त्र में देगा, पर कुछ भी वस्त्र एक धोबी मूछ पर ताव देता हुआ हंस के कपड़े को अपने माथे पर रखकर आ रहा था। आवाज लगा दी कन्हैया जी ने, ओ मामा जी जय श्री कृष्णा, और जो कहा जय श्री कृष्णा तो पीछे मुड़कर देखा उस धोबी ने, अरे मुझे मामा कहने वाला कौन है? कन्हैया जी ने कहा, मैं कंस का भाई हूं, तो आप जितने भी गांव वाले सब मेरे मामा हुए। अरे तुम उनके भांजे कैसे हुए? तुम्हारा स्वरूप तो देखो, कहां राजसी राजा और कहां तुम ग्वालवाल। कन्हैया जी मुस्कुराने लगे, अरे मामा जी मुझे आप ही वस्त्र दे दीजिए। और पहनने लगे और चलने लगे दौड़े दौड़े। कन्हैया कितने सुंदर वस्त्र हैं, आज आज नहीं पहने, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि किसी के तो ढीले वस्त्र है, किसी के टाइट है, किसी के लंबे हैं, किसी के छोटे हैं। कन्हैया जी से बराबर करवा दीजिए। उस मार्ग से जा रहे थे, उसी मार्ग में दर्जी का एक दुकान थी, और जो देखी दर्जी ने भगवान को आता तो प्रसन्न हो गए, देखो 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 अच्छी सुंदर डिजाइन आई जो सड़क के साफ सड़क आ रही है। भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु आपकी कृपा हो जाए, तुम्हें सुंदर वस्त्र को फिटिंग से बना दूं। भगवान ने कहा, तुम्हारे मन में घी शंकर, अब तो सारे ग्वाल वालों के वस्त्रों को भगवान उस दर्जी ने सुंदर बना दिए, भगवान को ग्वालों को पहना दिया, सब प्रसन्न हो गए। कितने सुंदर वस्त्र, क्या इनाम चाहिए तुम्हें अब इसके बदले में? धोबी ने सोच, उस दर्जी ने सोच लिया कि धोबी को क्या इनाम मिला वो देख लिया, प्रभु आपकी कृपा मिल जाए। भगवान ने कहा, आनंद होगा। तो आज दर्जी खूब फल फूल रहे थे के कपड़े नहीं उससे बढ़कर सिलाई। भगवान ने आशीष दी, चलने लगे हैं सारे ग्वालवाल। प्रभु अगर सुंदर माला मिल जाए गले में तो आनंद आएगा। भगवान ने कहा, यह माला कहां से ली? तो भगवान को याद आ गया कि मेरा भक्त है,
श्री रामा नाम का मालिक। आज भगवान फिर बुलाए जा रहे हैं अपने भक्त के पास, और जो श्री रामा नाम के माली ने देखा है तो तोड़ आया भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है और भगवान के स्वागत के लिए सभी को सुंदर सुंदर माला पहना दी है। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। अब तो माला को देखकर सारे ग्वालवाल कन्हैया और बलराम प्रसन्न हो गए। ग्वालवाल बोलने लगे, अरे कन्हैया जी, अगर मस्तक पर चंदन लग जाए तो फिर कहना ही क्या। भगवान ने कहा वो भी व्यवस्था होगी। और आगे चलते चलते जा रहे हैं तो क्या देखा, एक बच्चा है, एक स्त्री है जो घोटी टेकते हुए चंदन घिस कर राजा कंस को लगाने जा रहे हैं। कन्हैया जी ने मुस्कुराते के दिया, अरे ओ सुंदरी। और जो कहा अरे ओ सुंदरी, तो उस उपचार ने देखा कि मुझे आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा, जीवन में कभी सम्मान नहीं दिया। एक सुंदरी कहने वाला कौन है? क्या कन्हैया तूने मुझसे कहा है? हाँ मैंने कहा। अब तो इतनी प्रसन्न हो गई कन्हैया जी, कहने लगे अरे देवी, ये चंदन मेरे मस्तक पर लगा। उसको जाने विचार किया, जीवन बीत गए, कंस को चंदन लगाते लगाते पर कभी तो मीठे शब्द मुझे नहीं बोले उसने। आज ये चंदन सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा जो नारायण को मैं मस्तक पर चंदन लगाऊंगा। आज उसको जाने सुंदर भगवान के मस्तक पर थापक हुआ चंदन लगाया है, कृष्ण बलराम को सजा दिया है, संदीप के स्वरूप सारे ग्वाल वालों को चंदन लगाया है। अब तो बलराम कहने लगे, महाराज अब इन्हें ऐसा आशीर्वाद दो क्योंकि इसने हमें सुंदर चंदन लगाया है। कुब्जा के पास में जो तीन जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, त्रिभंग और भगवान भी तीन जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, भगवान उस कुब्जा के पास खड़े हो गए। बलराम मुस्कुरा दिए, भैया बुरा मत मानियो, जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है, मानो तुम दोनों शादी कर लो। भगवान मुस्कुरा दिए, कहा आज मैं कुब्जा को ऐसा आशीर्वाद दूंगा, ऐसा आशीर्वाद दूंगा जो किसी ने नहीं दिया। भगवान ने उसके चरण पर चरण रखा है कुब्जा के, और होठ पर भगवान ने हाथ रखा है, जो झटका दिया है सोई कुब्जा आदि रूप में प्रकट हो गई है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, शैलेंद्र पूर्व जन्म में इसका नाम था दिव्य अक्षम बन गई भगवान के चरणों में, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है, करुणानिधि करुणा करने वाले, और भगवान को भाव से ही बनना पड़ेगा। आनंद से चंदन लगाया है उसे, शैलेंद्री नाम की जो कुब्जा थी उसका उद्धार भगवान ने कर दिया। एक बार एकनाथ जी महाराज कावड़ यात्रा लेकर जा रहे थे हरिद्वार से जल भरा गंगा जी से, और काशी में जल चढ़ाने जा रहे थे। सारे बहुत सारे लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे भोलेनाथ जरा बताइए, इतने सारे हजारों लाखों लोग तुम्हें जल चढ़ाने आ रहे हैं, क्या तुम सबसे प्रसन्न हो जाओगे, सबको मुक्ति दे मिल जाएगी? भगवान ने कहा सभी को मुक्ति नहीं मिलेगी, मिलेगी तो केवल एक आध को मिलेगी, लाखों में एक को मुक्ति मिलेगी, सभी को नहीं मिलेगी। कहा क्यों? कहा सभी का भाव शुद्ध नहीं है, कोई दिखावा करने जा रहा है। भगवान माता पार्वती ने कहा मैं नहीं मान सकती, इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, नंगे पैर चलकर कावड़ लेकर आ रहे हैं जल चढ़ाने, और आप कह रहे हो कि ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही। अब तो क्या देखा, एक भगवान ने माया रची, जिस मार्ग से सारे कावड़िया जा रहे थे, एकनाथ जी सेठ जा रहे थे, उसी मार्ग पर एक गधा पानी के लिए तड़प रहा है, धूप इतना तड़प रहा है कि मानो उसके प्राण ही जाने वाले हो। सारे जितने भी कावड़िया देख देख कर चलने लगे, और वो छटपटा रहा है चारों पैरों को, वो चला रहा है कि कोई मुझे एक घूंट पानी पिला दे। एकनाथ सेठ जी ने विचार किया, हजारों लोग जल चढ़ा रहे हैं, अगर मैंने जल शंकर जी को नहीं चढ़ा तो शंकर जी का कुछ नहीं होने वाला,
अगर हो सके तो मैं इस जल को इस गधे को पिला दूं तो कम से कम इसके प्राण तो बच जाएंगे। जल पिलाने लगे तो सारे लोग कहने लगे, अरे एकनाथ जी महाराज, आप इतनी हरिद्वार से गंगे पे चलकर आए, थोड़ी दूर भगवान का मंदिर है, आप इस जल को भोलेनाथ को चढ़ाओ। एकनाथ जी ने कहा नहीं नहीं, भोलेनाथ को मैं यहीं से, मेरी आत्मा है कि यहीं इस गधे को भोलेनाथ समझकर जल चढ़ा दूं, मेरे के जल चढ़ाने से भी भोलेनाथ असंतुष्ट नहीं हुई, आप सभी जाओ और शिव जी को जल चढ़ाओ, मैं तो इस गधे को मारे बना। और आज एकनाथ जी शेर से गधे को जल पिलाने लगे हैं और वहां इतना संतुष्ट हुआ, तृप्त हुआ है कि गधे से साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले महाकालेश्वर भगवान ने की जय। धन्य है एकनाथ जी महाराज जिसने भगवान को गधे में भी भगवान को देख लिया और भगवान को प्राप्त कर लिया। जो हजारों लोग गए थे भगवान उनको दर्शन नहीं दिए और एकनाथ जी महाराज को दर्शन दे दिए, इसलिए भक्ति भाव से हो, श्रद्धा भाव भक्ति होनी चाहिए, भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। धन्य है एकनाथ जी महाराज जिन्होंने उस प्यासे व्यक्ति को गधे को पानी पिलाया। दान भी ऐसी जगह करो जो पात्र हो, कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, कोई बीमार है उसका इलाज करा दो, गो माता की सेवा करो, ये आपका पुण्य है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसे परमात्मा है जो करुणा कृपा करने वाले हैं, तो कुब्जा का भगवान ने उद्धार कर दिया है और चलने लगे हैं और चलते चलते आगे मार्ग पर जा रहे हैं। सारे लोग स्वागत कर रहे हैं भगवान का, हम सभी भी भगवान का स्वागत करें। हे प्रभु, आप भी जिस तरह आपने कुब्जा का उद्धार किया है और अनेक भक्तों का उद्धार किया है, ऐसे आप हमारा भी उद्धार कीजिए। हो राधा रानी तेरी नौकरी। अच्छा, किस किस को भगवान की नौकरी करना, हाथ खड़ा करके बताइए। और भगवान की जिसने नौकरी करी, सेवा करी, तो समझ लीजिए भवसागर से पार हो जाएगा। ओ राधा रानी तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करे। ओ रानी तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करे। राधा रानी तेरी
जाकी रही भावना जैसी,
और प्रभु मूरत देखी दिन देशी। चलने लगे और जहां धनुष रखा है वहां द्वारपाल खड़े हैं और वहां पर पहुंचे हैं तो द्वारपालों ने कहा, अरे कन्हैया वाले इस धनुष के पास बताना तू